Good morning students. Today we are going to study about the experiments which have been shown by Mendel and the laws were proposed by Mendel. Gregor John Mendel was the first scientist to make a scientific study of patterns of inheritance. Gregor John Mendel सबसे पहले साइंटिस्ट थे या व्यक्ति थे जिन्होंने इनहेरिटेंस पैटर्न को प्रूव करके दिखाया था. ओके विच इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी. इस इनहेरिटेंस पैटर्न में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से प्रोजेनी में. ये इसको सिद्ध किया, सबसे पहले सिद्ध किया वो ग्रेगर जॉन मेंडल ही थे. ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसे प्रूव करने के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक्स का यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में. कहने का मतलब है कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को थ्योरेटिकल डेटा पर एक्सप्रेस किया और एक्सपेरिमेंटल डेटा को भी उन्होंने टैली किया. दोनों के रिजल्ट सेम आने पर उन्होंने ये इन्फ्रेंस निकाला कि वॉट एवर द वर्क ही हैज डन दैट इज प्रूव्ड. ओके मेंडल चूज पी प्लांट्स. मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया अपनी स्टडी के लिए, इनहेरिटेंस ऑफ पैटर्न को दर्शाने के लिए. बिकॉज क्यों? उसके कई सारे कारण थे. व्हाट वर द रीजंस? बिकॉज पी प्लांट्स हैड अ नंबर ऑफ क्लियर कट डिफरेंसेस. पी प्लांट में बहुत सारे डिफरेंसेस ऐसे थे जो कि दूसरे प्लांट से हटकर थे और उसको कुछ स्पेसिफिक प्लांट बनाते हैं. विच वर ईजी टू टेल अपार्ट. और उनके बारे में हम बहुत सारे जो डिफरेंसेस हैं बात कर सकते हैं. ओके फॉर एग्जाम्पल टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट्स. पी प्लांट्स में टॉल और ड्वार्फ दो तरीके के डिफरेंट प्लांट्स पाए जाते हैं. सम पी प्लांट्स प्रोड्यूस्ड राउंड येलो सीड्स. कुछ राउंड येलो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं जबकि कुछ रिंकल्ड ग्रीन सीड्स भी प्रोड्यूस करते हैं. तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पाए जाते थे पाइजम सेटाइवम या फिर स्वीट पी में. ओके अनदर रीजन फॉर चूजिंग द ग्रीन पी प्लांट्स वॉज दैट देवर सेल्फ पोलिनेटिंग. और ये पी प्लांट्स जो थे सेल्फ पॉलिनेटिंग थे और वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट कर सकते थे. ठीक है. ऑल्सो मेंडल चूज पी प्लांट्स बिकॉज मैनी जेनरेशंस पी प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन कंपेरेटिवली शॉर्ट टाइम स्पैन. पी प्लांट बहुत ही शॉर्ट टाइम स्पैन में ग्रो कर सकते थे. ठीक है. या पी प्लांट्स के शॉर्ट लाइफ स्पैन होते हैं. ओके अगर हम दूसरे एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स से कंपेयर करें तो इसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है. ओके और सिंपल भी होता है. ठीक है. देन दी अदर ऑर्गेनिजम्स. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल. ओके What is that first law? Mendel's first law of inheritance or law of segregation says that the characteristics or trait of an organism are determined by internal factors which occurs in pairs. Mendel ने अपने first law of inheritance में कहा जो कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहलाता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या फिर ट्रेट्स कुछ इंटरनल फैक्टर्स की वजह से रिप्रेजेंट होते हैं या डिटरमाइन होते हैं. और ये कुछ जो फैक्टर्स हैं ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर एक ट्रेट के लिए. और हर एक ट्रेट के लिए उन्होंने एक लेटर रिप्रेजेंट किया
और हर एक फैक्टर के लिए उन्होंने वन पेयर ऑफ ट्रेड को रिप्रेजेंट किया। ओनली वन सच फैक्टर कैन बी रिप्रेजेंट इन अ सिंगल गैमेट। और उन्होंने कहा कि एक ही फैक्टर या फिर एक ही ट्रेड, एक ही ट्रेड एक गैमेट में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं। मेंडल ने दो प्योर लाइन के प्लैंट्स लिए थे, एक को मेल उसने कंसीडर किया और एक को फीमेल कंसीडर किया। अब ये प्योर लाइंस कैसे होते हैं? मेंडल ने एक पर्टिकुलर ट्रेट को कंसीडर किया, एक पर्टिकुलर ट्रेट या फिर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के दो फॉर्म्स, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स आर नोन एज ट्रेट्स। तो मेंडल ने एक प्लांट में एक एज ए पेरेंट प्लांट में एक ट्रेट को कंसीडर किया और दूसरे प्लांट में दूसरा ट्रेट कंसीडर किया। एंड दीज टू ट्रेट्स आर मेंट फॉर वन जीन ट्रांसमिशन। एक ही जीन के ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जो कि स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स हैं एक ही जीन्स के। ठीक है, एक ही जीन के, या हम कहें एक ही फैक्टर के। मेंडल ने ये कहा कि देर इज सम इंटरनल, देर इज समथिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ दीज ट्रेट्स। ठीक है, मेंडल ने कहा कुछ ऐसा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन ट्रेट्स के ट्रांसमिशन में और जो कि ये ट्रेट्स को गैमिट्स में ट्रांसफर करता है। मेंडल सेट देम एज फैक्टर्स, और उन ट्रेट्स के लिए मेंडल ने फैक्टर्स कहा। ठीक है, लेटर ऑन दीज फैक्टर्स वर नोन एज जीन्स एंड द टर्म कॉइंड बाय बेटसन एज ए जीन। ओनली वन सच फैक्टर कैन बी रिप्रेजेंट इन अ सिंगल गैमिट, और सिंगल गैमिट में एक ही फैक्टर रिप्रेजेंट हो सकता है। तो मेंडल ने प्योर लाइंस के बीच में क्रॉस कराया और क्रॉस कराने के बाद में उसने देखा कि F1 जनरेशन इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट फाइलियल जनरेशन। सो मेंडल ने देखा कि फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में सिंगल कैरेक्टर या फिर सिंगल ट्रेट ही रिप्रेजेंट हो रहा है। दो ट्रेट्स लिए थे उसने हर एक फैक्टर के लिए, हर एक कैरेक्टर के लिए। ठीक है, दो डिफरेंट ट्रेट्स लिए थे। बट हियर इन F1 जनरेशन ओनली वन ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड और ओनली वन ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड, या एक ही ट्रेट ऑब्जर्व हुआ था। ठीक है, तो जो ट्रेट ऑब्जर्व हुआ था मेंडल को, उसने उसे डोमिनेंट ट्रेट कहा। और जो दूसरा ट्रेट, जो दूसरे पेरेंट का ट्रेट था, दैट वॉज नॉट एक्सप्रेस्ड एंड दैट वॉज हिडन। सो मेंडल ने उसको रिसेसिव ट्रेट कहा। ठीक है, देन मेंडल गॉट सरप्राइज्ड बाय गेटिंग द रिजल्ट ऑफ F1 जनरेशन दैट ऑल द प्लांट्स ही गॉट वर पजेसिंग अ वन ट्रेट ओनली एंड नन ऑफ देम एक्सप्रेस्ड द ट्रेट ऑफ अदर पेरेंट। उसे ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारे के सारे प्लांट्स में एक ही ट्रेट रिप्रेजेंट हो रहा है और दूसरा ट्रेट एब्सेंट दिखाई दे रहा है। देन व्हाट डिड ही डू? ही डिड द सेल्फिंग। उसने सेल्फिंग की और सेल्फ क्रॉस करने के बाद उसने रिजल्ट में पाया कि जो ट्रेट दैट वाज हिडन एंड दैट गॉट री एक्सप्रेस्ड इन F2 जेनरेशन ऑन सेल्फिंग।
उसने देखा कि सेल्फिंग करने पर जो ट्रेट हिडन था F1 में, वो दोबारा से रिप्रेजेंट हो गया या एक्सप्रेस्ड हो गया। ओके, इस तरह से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों कहा? क्योंकि F2 जनरेशन में वो जीन जो कि F1 में एक्सप्रेस नहीं हुआ था, वो ट्रेट जो कि F1 में एक्सप्रेस नहीं हुआ था फिजिकली, ठीक है, वो रीअपियर हो गया था या री एक्सप्रेस हो गया था। दैट मीन्स दैट ट्रेट विच वॉज रिस्पॉन्सिबल बाय पर्टिकुलर जीन दैट गॉट सेग्रीगेटेड। उन्होंने इससे ये कॉन्क्लूजन निकाला कि जो जीन उस ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, वो अगेन दैट गॉट सेग्रीगेटेड, वो सेग्रीगेट हो गई थी। ओके, सेपरेट हो गई थी। ठीक है, तो मेंडल के फर्स्ट लॉ में लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आते हैं इन एक्सप्रेशन ऑफ वन जीन और द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ओके, दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। नाउ वी हैव टू मूव फर्दर ऑन द सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, दिस लॉ स्टेट्स दैट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेट्स इन अ क्रॉस साइमल्टेनियसली द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच पेयर ऑफ ट्रेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली टू द गैमिट्स। जब हम एक से ज़्यादा फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं फॉर मेकिंग अ क्रॉस, ठीक है, तो उसमें हर कैरेक्टर के लिए एक पेयर ऑफ ट्रेट्स सेलेक्ट करते हैं, और F2 जनरेशन में, ओके, या फिर हम कहें कि द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ईच पेयर ऑफ ट्रेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड और इंडिपेंडेंटली टू द गैमेट्स। हर एक फैक्टर जो कि एक पेयर को के ट्रेट को रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सप्रेशन के लिए, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाता है या इंडिपेंडेंटली आइसोलेट हो जाता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो एक से ज़्यादा कैरेक्टर, एक से ज़्यादा ट्रेट्स या एक से ज़्यादा फैक्टर्स को जब हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर को जब हम कंसीडर कर रहे हैं, तो वो फैक्टर्स जो कि एक पेयर ऑफ ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसमिशन में, वो इंडिपेंडेंटली एसॉर्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। दैट मीन्स वन फैक्टर इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग द अदर फैक्टर ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। ओके, दैट इज इंडिपेंडेंटली एसॉर्टेड, इंडिपेंडेंटली आइसोलेट हो जाते हैं। ठीक है, वन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ एनदर एक्सप्रेशन और एनदर कैरेक्टर और फैक्टर। ओके, हियर द एक्सप्रेशन ऑफ दिस सेकेंड लॉ हैज बीन गिवन इन द ग्राफिकल मैनर। द गैमेट्स आर फॉर्म्ड हियर, टू प्योर लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ टू पेरेंट्स। ओके, राउंड एंड येलो आर द टू डोमिनेंट फैक्टर्स और टू डोमिनेंट कैरेक्टर्स। ओके, एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड आर द टू रिसेसिव ट्रेट्स। ओके, टू रिसेसिव फैक्टर्स एंड दे आर रिप्रोड्यूसिंग कैपिटल R कैपिटल Y एंड स्मॉल
आर स्मॉल वाई रेस्पेक्टिवली एज देयर गैमेट्स. फॉर एवन जनरेशन दे विल यूनाइट टूगेदर, ओके, एंड दे विल प्रोड्यूस कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स, ओके, एंड ऑल एवन प्रोजेनी विल बी डोमिनेंट टाइप. ओनली वन ट्रेट फ्रॉम ईच फैक्टर और कैरेक्टर कम्स, ओके, एंड दैट इज रिप्रेजेंटिंग बोथ द ट्रेट्स और बोथ द फैक्टर्स ऑफ वन ऑफ द पेरेंट्स ओनली, एंड द अदर पेरेंट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द अदर फैक्टर्स. ओके, हियर इन द टेबल वी हैव गॉट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स. ओके, एंड इन द रिजल्ट वी विल फाइंड द फिनोटाइप्स ऑफ एफ टू जेनरेशन दैट विल बी 9:3:3:1 रेशियो. ओके, द प्रोजेनी विल बी प्रोड्यूस्ड फिनोटिपिकली इन 9:3:3:1 रेशियो. ओके, दैट इज द ऑल अबाउट ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर, हाउ दिस ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स टेक प्लेस. ओके, ये ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स कैसे होता है, ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है. द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स प्रेजेंट ऑन देयर क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय में क्रोमोसोम्स में ये फैक्टर्स या ट्रेड्स ऑफस्प्रिंग में प्रेजेंट होते हैं. ओके, और इन फैक्टर्स या ट्रेड्स को कैरी करने के लिए जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर्टिकुलर टाइप के जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड दीज जीन्स आर प्रेजेंट ऑन देयर क्रोमोजोम्स, और ये जीन्स क्रोमोजोम्स में प्रेजेंट होते हैं. जीन्स वर्क इन पेयर्स, जीन्स हमेशा पेयर्स में वर्क करते हैं. ओके, फॉर एवरी ट्रेट देयर इज अ पेयर ऑफ जीन्स, हर एक ट्रेट के लिए वन पेयर ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल होता है. वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव जीन का पेयर हो सकता है. ठीक है, ईच पेरेंट पासिस ओनली वन ऑफ द टू जीन्स ऑफ द पेयर ऑफ ईच कैरेक्टरिस्टिक, हर एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए एक पेरेंट से केवल एक ही जीन ट्रांसफर होता है दोनों जीन्स में से. दो द ऑफस्प्रिंग इनहेरिट्स टू जीन्स, जबकि ऑफस्प्रिंग में दो जीन्स इनहेरिट होते हैं एंड वन कम्स फ्रॉम ईच पेरेंट. ठीक है, और एक पेरेंट से आता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉइल्ड स्ट्रक्चर इन क्रोमोसोम्स. ओके, सो जीन्स, वी कैन अंडरस्टैंड मोर अबाउट द जीन्स. व्हेन अ मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन दे मेक अ न्यू कॉल्ड सॉरी दे मेक अ न्यू सेल कॉल्ड जायगोट विद अ फुल सेट ऑफ जीन्स. जब हम देखते हैं कि एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को प्रमोट कर रहे हैं, तो जायगोट में न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड जायगोट. और जायगोट में फुल सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट होता है ऑन अ फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. हर एक सेट ऑफ जीन प्रेजेंट होता है हर एक रेस्पेक्टिव क्रोमोसोम्स पर. दिस जायगोट ग्रोस, और ये जायगोट जब ग्रो होता है एंड डेवलप्स टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म.
हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। और जब ये ऑफस्प्रिंग बड़ा होता है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स शो करने लग जाता है, और हर एक ट्रेट हर एक पेरेंट से आता है। द टू जीन्स और पेयर ऑफ जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर कैरेक्टर।